हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में किए शिरकत। शुक्रवार को बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वाराणसी के लिए होंगे रवाना। सादगी का परिचय देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया गोरक्षनाथ मंदिर में आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन। शामिल हुए जिले के आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि, साधु संत व गणमान्य नागरिक। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष व पूर्व प्रोफेसर यूपी सिंह के आवास पर जाकर जाना उनका हाल चाल पूछा, कुशल क्षेम अंगवस्त्र से किया सम्मानित। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में 7,477 करोड़ की लागत से 505 किलोमीटर लंबी 16 सड़क परियोजनाओं का किया ऑनलाइन लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विकास को गति देंगी 4-लेन सड़कें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री का व्यक्त किया आभार। कहा, 65 वर्षों में जितने बने थे राजमार्ग उससे अधिक बने 6 वर्षों में। कोविड प्रोटोकॉल के साथ होगा गोरखनाथ खिचड़ी मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी बुनियादी सुविधाओं की हो व्यवस्था। संविधान दिवस पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की दिलाई शपथ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में भारत के 71वें संविधान दिवस पर आयोजित हुई संगोष्ठी। संविधान दिवस की महत्ता पर वक्ताओं ने व्यक्त किए अपने अपने विचार। दिलाया गया संविधान की प्रस्तावना का पाठन एवं मूल कर्तव्यों का शपथ। पिता की पिटाई का उलहना लेकर जाने पर हरपुर बुधहट इलाके के सोपरा देवरिया गाँव में किराना व्यापारी की कुदाल से काट कर की गयी हत्या। फोरेंसिक टीम और फोर्स के साथ एसएसपी पहुंचे मौके पर। थानेदार सुरेश चंद्र राव और सोनबरसा बाबू चौकी प्रभारी सुशील सिंह को किया निलंबित। विभागीय जांच का दिया आदेश। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना की तैयारी बैठक। व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के दिए निर्देश। अपने फूफा के साथ नाजायज संबंधों में बाधा बन रहे पति की पत्नी ने ही कराई हत्या। एसपी नॉर्थ ने किया सनसनीखेज खुलासा। कहा, मृतक की पत्नी के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार, आला कत्ल भी हुआ बरामद। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह की अध्यक्षता में विद्या परिषद की हुई एक अहम बैठक। पारित हुए ऐतिहासिक 60 से अधिक नवीन पाठ्यक्रम। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को मिले 43 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,911। अब तक 321 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 454 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। एडीएम फाइनेंस के अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापारी बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक। व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा, निस्तारण के दिए निर्देश। यूपी बीईयू के तत्वाधान में जुबली कॉलेज रोड पर बैंकों के निजीकरण को बंद करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर किया हड़ताल, जताया विरोध। केंद्रीय कर्मचारी परिसंघ के आह्वान पर उप डाकघर और प्रधान डाकघर के कर्मचारियों ने किया हड़ताल, नारेबाजी कर जताया विरोध। अपनी लंबी पड़ी मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर महाप्रबंधक कार्यालय पर बीएसएनएल कर्मियों ने किया हड़ताल, प्रदर्शन कर जताया विरोध। बेतियाहाता स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ वर्मा के आवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वैवाहिक कार्यक्रम में हुए शामिल, दिया आशीर्वाद। और गुरुवार को सकुशल संपन्न हुआ शालिग्राम तुलसी विवाह। नाचते गाते श्रद्धालु विवाह में हुए शामिल। उतारी शालिग्राम और माँ तुलसी की आरती।